स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कैन वी आल्सो ब्रिंग चेंज अदर वेस हम दूसरा वे भी कभी देखें चेंजेस होने का देखो देर आर मेनी अदर वेस ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस हमारे चारों तरफ जितना भी चेंजेस हो रहा है बहुत तरीके से होता है फॉर एग्जांपल जैसे देखो वी कैन चेंज द सब्सटेंस बाय हीटिंग और मिक्सिंग इट विद अदर सब्सटेंसेस हम सब चेंज चेंज होता है जैसे कि हीटिंग करते हैं कोई एक मिक्सचर का कोई एक दो चीज़ को मिक्सिंग करते हैं या फिर कोई एक चीज को हीटिंग करते हैं तो ये भी चेंजेस हुआ कि नहीं बाद में सोम ऑफ दिस चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सोम कैन नॉट बी रिवर्स्ड कितना चेंजेस होने के बाद वो ही निकलता है रिवर्स्ट होता है और कितना चेंज होने के बाद रिवर्स्ट नहीं होता कितना एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा की हीटिंग से कितना चीज का चेंजेस हो रहा है और मिक्सिंग से कितना चेंजेस हो रहा है देखो ये पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ये तुम्हें याद रखना है ठीक है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस क्या है देखो फिजिकल चेंजेस में क्या हुआ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म फिजिकल चेंजेस में क्या हो रहा है चेंज होने के बाद कोई एक न्यू

कैरेक्टर एंड कॉम्पोजिशन विल बी चेंज इसका सारा चेंज हो जाता है कैरेक्टर कॉम्पोजिशन लेकिन फिजिकल चेंजेस का नहीं होता चेंज रिवर्सेबल रिवर्सेबल और एक बार चेंज हो पाता है लेकिन चेंजेस में क्या होता है कितना चेंजेस रिवर्सेबल होता है लेकिन बहुत सारे इबल होता है रिवर्सेबल नहीं होता only appearance like shape, size, color etc change but no chemical change occurs here both physical and chemical change occur ठीक है अभी देखो पढ़ेंगे changes caused by heating changes caused by heating heating से कौन कौन सा चीज का change सा रहा है हम अभी पढ़ेंगे हर एक एक example में पहले पढ़ते हैं देखो example one You must have seen the tools like spare eggs etc. used for farming to dig the soil. The iron blade in these tools is fixed in the wooden handle. The iron blade has a ring that is little smaller in size than the wooden handle. Kya hai dekho? tum the tools like ki, uh, spare tools. एक्स ये सब तुम देखे हो गये? तुम्हारे लाइफ में तुम देखे हो गये? ये सब कौन यूज करता है फार्मर्स यूज करते हैं ये सब किस लिए सॉइल को डेक करने के लिए तो क्या होता है तो आयरन ब्लेड इन द स्टूल्स इज फिक्स्ड इन द टू द वुड एंड हैंडल तो ये क्या होता है जो आयरन का जो होता है इसके साथ एक वुड जॉइंट होके रहता है कि नहीं हर एक आयरन के साथ एक एक आ, उड़ लगा हुआ है कि नहीं तो ये ज्वाइंट होके रहता है द ब्लेड है रिंग दैट इज लिटिल स्मॉलर इन साइज देन हैंडल तो देखो इसके साइड में एक होल जैसे रहता है देखो ये होल जैसे रहता है ये वाला जो कि ये उड़ जो है इसके अंदर रहेगा और इसको हम पकड़ के बाकी सारा काम करेंगे इसको पकड़ के करते हैं कि ये हैंडल है वो आप तो देखो द रिंग हीटेड टू फिक्स रिंग क्या होता है ये जो ये जो रिंग है क्या होता है ये के साथ फिक्स्ड होके रहता है बाय हीटिंग द रिंग एक्सपांड एंड स्लाइटली इंक्रीजेस इन साइज जब इसको हीटिंग किया जाता है तो क्या हो जाता है इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है नाउ द वुडन हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग तो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका रिंग इसका इसको गर्म कर देने से जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका रिंग तो ये ठीक से में फिक्स हो पाएगा इसलिए उसको गर्म करते हैं वहाँ पे में लगाते हैं अनकूलिंग डाउन रिंग कॉन्स्टांस एंड फिट्स वेल ऑन टू देंडल उसके बाद क्या होता है फिर फिर से उसको कूलिंग कर देते हैं कूलिंग कर देने से क्या होगा वो उड़ के साथ ठीक से रह जाएगा फिक्सड होके रह जाएगा